ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन अंडर द टॉपिक काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन को, समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विथ मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज, ये ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की साइज 10^-6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर से बड़ी होनी चाहिए और उसकी स्पीड वेरी वेरी लो होनी चाहिए, है ना। ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विथ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड विथ मोशन एट लेवल ऑफ एटम और स्मॉलर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। एक ऐसा मैकेनिक्स जिसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बहुत बहुत कम होता है, छोटा होता है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है, बहुत हाई स्पीड होती है। ओके, अनलाइक द मैकेनिक्स। ओके, इसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है, मैकेनिक्स में स्पीड बहुत कम होती है ना। इसके बाद चलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को 3 ब्रांच करके हम पढ़ते हैं, है ना। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स और काइनेटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, ओके, इसको हम लोग जानते हैं डिटेल में। स्टैटिक्स, जब बॉडी एट रेस्ट पे रहता है, जब बॉडी एट रेस्ट पे रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, व्हेन ए बॉडी रिलेशन बॉडीज रिलेशन विथ ओनली द मोशन विदाउट काउजेस। एंड डायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ द काउज, ओके, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट काउज। स्टैटिक्स में क्या है, रेस्ट ऑफ बॉडी और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये आप देख रहे हैं, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मोशन ऑफ बॉडी विथ काउज, विथ काउजेस हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, रेस्ट, मोशन एंड मोशन विथ काउज, तीनों चीज हमको पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर में, रेस्ट, मोशन एंड मोशन विथ काउज। ओके, रेस्ट, मोशन विदाउट काउज एंड रेस्ट मोशन विथ काउज। ओके, ओके, अभी हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ओके, स्टैटिक्स क्या है, फिर काइनेमेटिक्स, उसके बाद डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ओके, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विथ बॉडीज एट रेस्ट एंड फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। यहाँ गौर से देखिए, बॉडीज एट रेस्ट एंड फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए और फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, बॉडी रुका हुआ रहना चाहिए। ओके, तो दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विथ ओनली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउज ऑफ मोशन। व्हाट आर द रीजंस फॉर द मोशन, फोर्सेस और टॉर्क्स, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ओनली द वी विल स्टडी ओनली द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट द फोर्सेस और टॉर्क्स इन्वॉल्व इन इट। ओके, इसी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस और टॉर्क्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ओके,
ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ एक्शन ऑफ फोर्सेस और टॉर्क्स। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। रेस्ट, ए बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। विथ रेस्पेक्ट टाइम एंड सराउंडिंग और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट पे तभी रहता है जब अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं चेंज करता और समय भी एक डिफिनिट इंटरवल में। ये घटना अगर एक डिफिनिट इंटरवल में हो रहा हो तो बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एट रेस्ट बोलेंगे। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट मस्ट बी एट रेस्ट। इसका मतलब उसको हम रेस्ट में समझेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, जो बॉडी एट रेस्ट पर रहेंगे उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अगर यहाँ से नहीं हिलूँ तो इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। समय तो बीत रहा है लेकिन मैं नहीं हिल रहा हूँ तो रेस्ट पे रहूँगा। ओके, विथ रेस्पेक्ट सराउंडिंग। ए बॉडी इज इन मोशन इफ इट चेंजेज इज पोजिशन विथ विथ टाइम रिलेटिव और विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और सराउंडिंग। कैसे हम मोशन को डिफाइन करते हैं? हम बॉडी को मोशन में तब बोलेंगे जब अपना पोजीशन बदलता है समय के साथ एक डिफरेंट इंटरवल में, रिलेटिव टू और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, किसी न किसी के रिलेटिव में, और विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में और सराउंडिंग के हिसाब से, तब उसको बोलेंगे मोशन में। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट। ओके, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी और ऑब्जर्वेशन।
कौन से ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उस पर भी रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है। सेकेंड, ऑब्जर्वर्स लोकेशन इन स्पेस, है ना, ऑब्जर्वर्स लोकेशन इन स्पेस, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, कौन से पॉइंट से देख रहा है ना, स्पेस में कौन से लोकेशन से देख रहा है, कौन से पोजीशन से देख रहा है, दैट लोकेशन और पोजीशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इन यूनिवर्स देयर इज नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। इस यूनिवर्स में कुछ भी पूरी तरह से ना रेस्ट पर है ना पूरी तरह से मोशन में है। ओके, एवरीथिंग इज इन रिलेटिव फॉर्म, जैसे लाइफ में भी आप समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई गरीब है, इसका मतलब कोई अमीर है तभी तो कोई गरीब है, कोई विद्वान है तभी तो कोई मूर्ख है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है तो ही तो कोई कमजोर है। ओके, कोई बहुत लंबा है तभी तो कोई बौना है। इस संसार में कुछ भी, इसीलिए एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, सब रिलेटिव होता है, कंपेयर किया जाता है, एक दूसरे के कंपेयर किया जाता है। तो मेरा, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ये भी रिलेटिव टू अदर टीचर्स कंपेयर होंगे, है ना, इट इज़ ऑल्सो कंपेरेटिव, है ना, ये भी दूसरे टीचर्स के कंपेयर किए जाएंगे। ओके, इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटिव रेस्ट पे हैं यानी तो रिलेटिव मोशन पे हैं, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। एन ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड टू सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा समझिए। ओके, मान लीजिए हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे, अपना एक ट्रेन खड़ी है, रेलवे प्लेटफॉर्म के बगल में एक ट्रेन खड़ी है ना, बगल में जब हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो अपना ट्रेन रुका हुआ रहता है। अब मान लो अपना ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, एक साइड तरफ प्लेटफॉर्म रुकी हुई है, अपना ट्रेन है ना, दूसरे साइड ट्रेन के दूसरे साइड में अगर कोई ट्रेन आगे बढ़ रही है, ओके, अगर आगे बढ़ रही है, जब हम उस बगल वाले ट्रेन को देखेंगे, ठीक है, तो हमें लगेगा कि हम लोग आगे जा रहे हैं। अगर बगल वाला ट्रेन पीछे की ओर जा रहा है तो हमें कैसा लगेगा कि हमारा अपना ट्रेन आगे की ओर जा रहा है। सिमिलरली अगर बगल वाला ट्रेन आगे की ओर जाएगा तब हम उस ट्रेन को देखते हैं तो क्या लगता है, अपना ट्रेन पीछे की ओर जा रहा है। ऑल दिस इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन। हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है रेस्ट एंड मोशन, है ना। ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर्स लोकेशन, ऑल दिस इज अंडर रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन नहीं होता, है ना। ट्रेन में भी आप पैसेंजर को देखिए, सामने सीट पर बैठा वाला पैसेंजर रेस्ट पे रहता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, लेकिन ट्रेन एक्चुअली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ट्रेन अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, लेकिन पैसेंजर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, बिकॉज दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो दो ऑब्जेक्ट अगर सेम वेलोसिटी से मूव करे तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट, उन दोनों का रिलेटिव रेस्ट हो जाएगा, है ना, उनका वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। ओके, हर चीज जो है वो रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन में है, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन कुछ भी ऐसा नहीं है ना। ईच एंड एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, है ना। अगर हम सोचते हैं तो हर एक पार्टिकल मूव करता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इफ टू ऑब्जेक्ट्स, देखिए जैसे दो बस है, दो ट्रक है, दो बाइक है, अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाए और ड्राइवर एक दूसरे को देखे तो क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे को जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। एक दूसरे को देखता है तो उन्हों को क्या लगता है, ये भी रेस्ट पर, वो भी रेस्ट पर है। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन विथ रेस्पेक्ट सेकेंड एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्पीड का 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड का भी 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में मान लीजिए या नहीं तो उसकी स्पीड 10 के अलावा और दूसरे स्पीड हो सकते हैं। ओके, तो जब एक को दूसरा देखेगा तो आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब एक को तीसरा देखेगा
तो एक ये एक और तीन एक दूसरे को रिलेटिव रेस्ट फील करेंगे। जब तीन एक को देखे तो ही एक दूसरे को रुका हुआ देखेंगे, है ना, और जब एक तीन को देखा तो ही एक दूसरे को रेस्ट पर रहेगा, है ना। जब दूसरा ऑब्जेक्ट पहले को देखेगा तो रिलेटिव मोशन में होंगे, ओके। और कितना रिलेटिव मोशन है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, अगर रेस्ट पे है तो, ओके। सेकेंड और थर्ड बॉडी भी रिलेटिव मोशन में है, ओके। इस संसार में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ सब चुक सब सब कुछ जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव में होता है ना, कंपेयर किया जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू मेजरमेंट होता है, ओके। यहाँ देखिए सन, सन की मास बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अर्थ। सन और अर्थ का एग्जाम्पल देखिए, ओके। हम बचपन में लोग क्या पढ़ते थे, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्या ये सही है? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ये सही है, फिजिक्स कहता है ये सही नहीं है। बचपन में तो पढ़ते थे लेकिन अब ये सही नहीं है, ओके। अब हमें समझना होगा, तो गैलीलियो ने क्या कहा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चर्च में जब उसने कहा तो उसे बहुत पनिशमेंट दिया गया था, जबकि वो सही बोला था, तो उसे मार पीट करके बहुत मारा गया था। उसे बोला गया था कि बोलो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सन रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों बगल, बोलो। तब डर के मारे उसने बोला ऐसा मार खाने के बाद। लेकिन सच क्या है, सच यही है कि सन जो है बहुत ज़्यादा लार्ज मास होने की वजह से अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत रेस्ट पे रहता है ना, बिल्कुल एक हिसाब से नहीं मूव कर रहा होता है। और अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है, और रोटेशन करने के वजह से हमें क्या फील होता है कि सन ईस्ट से वेस्ट में जाता है, ओनली ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ये एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करने की वजह से ऐसा होता है, ओके। सो सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये हमें दिखता है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। तो एक तरह से आप इसको रिलेटिव मोशन को भ्रम भी कह सकते हैं, ये एक भ्रम पैदा करता है। ओके, हम लोग मोशन को स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन इज कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरी, ओके। फर्स्ट डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड मोशन इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल मोशन। लीनियर मोशन दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, प्लेनर मोशन दैट इज टू डायमेंशनल मोशन, एंड मोशन इन स्पेस दैट इज इक्वल टू थ्री डायमेंशनल मोशन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मोशन, पहले हम स्टडी करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इफ ओनली वन एक्स वाई और जेड आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेज पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम, देन मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो या तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या नहीं तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ एक और एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो ऐसे ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, ओके। जैसे कि मैं ये मार्कर को गिराया, ये मार्कर जो गिरा वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर चला गया, ये जेड वाई एक्सिस के तरफ नीचे गिरा, ये कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। सिर्फ इसमें वाई डायमेंशन में मूवमेंट हो रहा है। जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो वाई डायरेक्शन तरफ ऊपर गया, फिर वाई डायरेक्शन तरफ नीचे भी आया, ये भी वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। सिर्फ उसमें वाई चेंज हो रहा है, ऊपर फेंका नीचे आया, सिर्फ उसमें वाई चेंज हो जा रहा है और एक्स और जेड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंगल डायमेंशन चेंज होने की वजह से इसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ओके। ओके, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए वन डायमेंशनल मोशन में जब एक आदमी दौड़ रहा हो या गाड़ी कोई चल रही हो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से,
या फ्री फॉल हो, ये सब के सब वन डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। मोशन अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस ऑल आर कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। ओके, ये देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 10, ये थ्री डायमेंशनल होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, थ्री डायमेंशनल मोशन है। ओके, तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जा रहे हैं, x y z तीनों चेंज हो जाएंगे, है ना। स्ट्रेट लाइन कैन बी 1D, 2D एंड 3D तीनों हो सकते हैं, तीन तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, दो ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं या सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन तीन तरह के होते हैं, है ना, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन, थर्ड 3D स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स में लोग पढ़ेंगे। ओके, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशन रेस्पेक्टिवली बट नॉट 1D मोशन। ये टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशन है लेकिन 1D मोशन नहीं है। ओके, यहाँ वी वाई स्पीड अगर निकालेंगे 3 VX प्लस 0 आ जाएगा, मतलब स्पीड जो है वो एक्स डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है, वाई पे, दोनों चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्पीड इन जेड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 3 times स्पीड इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्पीड इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, है ना। तो ये सब क्या है, 2D और 3D मोशन है। ओके, लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन क्योंकि इसमें पावर क्या है, एक्स वाई जेड का पावर 1 है। ओके, अब पढ़ते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ओके, अब देखिए टू डायमेंशनल मोशन, ए मोशन इन विच टू एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, अगर मैंने स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरह से इंक्लाइंड खींचता हूं तो ये टू डायमेंशनल मोशन है, लेकिन ये टू डायमेंशनल मोशन नहीं है। जैसे कि एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ता है तो वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ओके, मोशन इन विच एक्स एंड वाई और वाई और वाई एंड जेड और एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विद टाइम इज कॉल्ड 2D मोशन। ओके, ऐसे ऐसे मोशन को हम 2D मोशन बोलते हैं, ऐसे ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ओके, ये 2D मोशन है। सर्किल ये क्या है, ये क्या है, 2D मोशन है। चार बगल चक्कर काटा, इलिप्टिकल पाथ है, ये इलिप्टिकल पाथ है, 2D मोशन है। ये हाइपरबोलिक पाथ है जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये 2D मोशन। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ 2D मोशन। ओके, ये सब के सब एग्जांपल 2D मोशन है। चलिए थ्री डायमेंशनल मोशन हम लोग पढ़ते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन, 3D मोशन। ओके, मोशन इन विच ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इज कॉल्ड 3D मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, ये थ्री डायमेंशन मोशन में एक्स वाई एंड जेड साइमल्टेनियसली चेंज होगा, एक्स भी वाई भी जेड भी ऑल के ऑल चेंज होंगे, एक साथ चेंज होंगे, ऐसे ऐसे मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ओके, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, है ना। इन इट ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, ऐसे ऐसे मोशन में ऑब्जेक्ट स्पेस मूव करता है। एग्जांपल के तौर पे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिगजैग पाथ जो हम लोग देखते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का, और मॉस्किटो का मूवमेंट, वो भी क्या कहलाता है, 3D मोशन कहलाता है। जैसे कि आप देखिए ये जो हेलिकल पाथ है ये भी थ्री डायमेंशनल मोशन है, ये स्प्रिंग लाइक का है, जिसको स्प्रिंग को आप सर्किल समझ लो, है ना, सर्किल प्लस स्ट्रेट लाइन, यहाँ सर्किल प्लस लीनियर मोशन दोनों मिल करके यहाँ पे 3D बनाता है। सर्किल 2D हो गया, लीनियर 1D हो गया, टोटल कितना हो गया, 3D मोशन हो जाता है। ओके,
जो पाथ है हेलिकल पाथ कहलाता है, ऐसा सब्जेक्ट हेलिक्स कहलाता है। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन डिफरेंस, ए मोशन विच पार्टिकुलर बॉडीज ट्रीटेस एज पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बट मूव्स इन सच ए वे दैट ऑल द पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जो सब के सब पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं। ओके, सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, बट ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ मोशन, ऐसे से मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। सपोज दैट मेरा बॉडी है, मैं अगर मूव करता हूँ तो मेरा एक एक बॉडी का पार्ट जो है ना, उसका सेम वेलोसिटी होगा, सेम वेलोसिटी आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। ऑल द बॉडी पार्टिकल्स मस्ट हैव द सेम स्पीड और वेलोसिटी। ओके, जिसको हम रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। रिजिड बॉडी में बॉडी का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होता, पोजीशन चेंज नहीं होगा, और प्लस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, है ना?